हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई यूजी नेट का एक वीडियो और देखेंगे और इसके अंदर हम एक क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे जो कि जनरली हमारे जो पेपर नंबर 1 में आता है। तो इसके अंदर हम क्या पार्ट देखेंगे जरा हम देखते हैं। तो मैंने बीएस एकेडमी चैनल पर सीबीएसई यूजी नेट के काफी वीडियो अपलोड करे हैं, तो आप लोग उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अबाउट मी, माय नेम इज संदीप, आई डिड माय एमटेक इन कंप्यूटर साइंस। आफ्टर दैट आई हैव वर्क एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई क्वालिफाइड इन सीएसआई एग्जाम एज अ जेआरएफ इन इंजीनियरिंग साइंस एंड आई आल्सो क्वालिफाइड एग्जाम सीबीएसई यूजी नेट जेआरएफ 3 times एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। तो आपके सामने हम इसमें पेपर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पेपर नंबर 1 में भी जो पेपर हमारा जून 2013 में आया था उसको पार्ट को सॉल्व करेंगे। और जून 2013 में भी हमारा जो आईसीटी का पार्ट आया था, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कौन कौन से पार्ट हमारे इंपॉर्टेंट है उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, यू कैन सी दैट नाउ। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, WW stands for, ये क्वेश्चन आपके जून 2013 के क्वेश्चन पेपर में आया था। ये 5 या 6 सवाल हम जो क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो पहले आप इन क्वेश्चन को एक बार चेक कर लें। WW stands for, यानी WW stands for का मतलब WW की डेफिनेशन क्या है या फिर एब्रीवेशन जो है उसका मीनिंग क्या है। ए ऑप्शन वर्क विद द वेब, बी वर्ल्ड वाइड वेब, सी वर्ल्ड वाइड वेब और डी वर्थ वाइल्ड वेब। बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि जनरली हम जब कोई वेबसाइट लिखते हैं तो उसके आगे लिखते हैं WW, जैसे मैं लिखूंगा google.com, तो इसके अंदर ऑब्वियसली बात है कि हम जब हर चीज पे आगे WW लिखते ही हैं, तो WW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है स्टूडेंट, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स व्हिच इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, यानी हार्ड डिस्क को हम ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं और फर्दर ट्रैक्स को हम किस फॉर्म में डिवाइड करते हैं। जो एक्चुअली में जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो आपने देखा होगा सर्कुलर शेप में होती है, इस तरह से होती है और फर्दर आपस में इस तरह के सेक्टर्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, और ये आप ऐसे करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका एक सिलेंडर क्रिएट हो रहा है, उसी तरह से ये सिलेंडर क्रिएट हो रहा है। एक्चुअली सिलेंडर क्रिएट नहीं होता, वो इसके ऊपर एक प्लेट जो होती है वो सर्कुलर शेप में एक दूसरे से ऊपर बैठी रहती है, यानी आपने कभी देखा होगा इसको हम स्टैक कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर शेप में जिसको हम कहते हैं इसको ट्रैक कहते हैं। ठीक है, ये ट्रैक्स होते हैं। अब इस ट्रैक्स को आप फर्दर किस वे में कन्वर्ट कर सकते हो, किस में से डिवाइड कर सकते हो, मैं इसको ले लेता हूं यहाँ पर। जैसे ये फर्दर इसको हम सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, आपने देखा होगा हार्ड डिस्क को अंदर जो होती है, तो इसको फर्दर हम सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फर्दर हमारी सेक्टर्स में ये डिवाइड हो जाती है, तो इसका जो आंसर है बी, बी इज द करेक्ट आंसर, सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी आपने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को आप फर्दर डिवाइड कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो मशीन लैंग्वेज के अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर ML, यानी तो आपको लाइन बाय लाइन उसका स्टेटमेंट को मशीन में कन्वर्ट करना है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो आप इस तरह में जो क्वेश्चन आते हैं बड़े कभी का कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अब मैं इसमें हमेशा कभी देखिएगा कि जो एक या दो ऑप्शन होते हैं एकदम ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, काट सकते हैं आप, तो सिमुलेटर और ट्रांसलेटर इसका आंसर नहीं हो सकता, या तो इसका आंसर कंपाइलर हो सकता है या फिर इंटरप्रेटर होता है, क्योंकि इंटरप्रेटर और कंपाइलर ही ऐसे सॉफ्टवेयर है जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। बट इसमें इंटरप्रेटर जो है, जो इसमें दिया है कि स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट आपके किसी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट जो करता है वो इंटरप्रेटर ही करता है, कि स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट उसको आपके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता जाता है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, डी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ गीगाबाइट इज इक्वल्स टू, यानी गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट्स, 1024 किलोबाइट्स, 1024 टेराबाइट्स एंड 1024 बाइट्स। ठीक, ये एक चार्ट्स होता है, आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में। तो पहले मैं बता देता हूं आपको, जो ये एक्चुअली में जो हमारी जो मेमोरी होती है इसको हम स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ बिट्स, बाइट, ठीक है, बाइट्स, ऐसे ही किलोबाइट,
देन मेगाबाइट और फिर गीगाबाइट, आगे भी होती है टेराबाइट होती है, आगे आगे होता है। तो इसकी आपको रिलेशन याद करके रखिएगा कि 1GB = 1024 MB, ठीक है। उसी तरह से 1MB = 1024 KB, उसी तरह से 1KB = 1024 byte। और फर्दर बाइट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बिट्स में, तो बाइट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू बिट्स। एक बाइट में हमारी 8 बिट होती हैं, एक बाइट में आठ बिट होती है। तो ये इस तरह के रिलेशंस को आपको याद करना है। मैं इसके ऊपर जो आपकी जो मेमोरी को कैसे एक दूसरे से कन्वर्ट करते हैं, मैं इसका एक वीडियो आपको रख दूंगा सामने बाद में। तो ये बहुत जरूरी है इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने जो है, क्योंकि जनरली इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आपके आ जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए आंसर है, ए यानी 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स, यानी कंपाइलर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है कैरेक्टर टू बिट्स, हाई लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, या फिर मशीन लैंग्वेज टू हाई लैंग्वेज, या वर्ड टू बिट्स। तो देखिए जो कंपाइलर जो करता है, जो जनरली हमारी लैंग्वेजेस होती हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पैस्कल, जो लैंग्वेजेस होती है ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इसको HL लिख देता हूँ मैं, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इनको हम हाई लेवल लैंग्वेज को हम पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और ये हमारा जो काम करता है वो कंपाइलर करता है। तो कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ये आप ध्यान रखिएगा। कंपाइलर के बारे में हम डिटेल वीडियो आगे देखेंगे। तो कंपाइलर इसका जो आंसर है वो बी है, हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th, वर्चुअल मेमोरी है क्या है, एन एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, एन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, an illusion of extremely large main memory, and D, a type of memory used in supercomputer. क्या है virtual memory? तो virtual memory का आप definition लिख लीजिएगा, it is a C option जिसका है correct है, यानी it is an illusion of extremely large main memory, यानी C इसका जो है वो correct answer है, आप इसको याद कर लीजिएगा अपने exam point of view के लिए। तो virtual memory is an illusion, हमें एक ऐसा क्या कहते हैं illusion produce करता है हमारे mind में कि we have an extremely large main memory. कंप्यूटर में यूज होता है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें इस क्वेश्चन पेपर में इस वीडियो में हमने जो एग्जाम में जो पेपर नंबर 1 में जो आईसीटी का पार्ट आया था उसको सॉल्व किया था। आगे वीडियो में हम ऐसे ही जो और डिफरेंट पार्ट्स जो क्वेश्चन पेपर में आपके आए थे उनको सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बहुत बेनिफिशियल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप पहले जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर्स के आप उनको एक बार देख के जाइए, क्योंकि UGC नेट के अंदर, CBSE UGC नेट के अंदर क्वेश्चन जनरली रिपीट हो जाते हैं। और भी किसी भी तरह की किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है या फिर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई किसी तरह कोई डाउट है या फिर कोई वीडियो ऑन डिमांड क्रिएट करना है, सो यू कैन मेल मी एट माय ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com, ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।